नमस्कार, मैं हूं नवजोत और धर्म की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। हर सोमवार को आप मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना करते होंगे, लेकिन धर्म में आज हम आपको दर्शन कराएंगे उन शिव मंदिरों के जहां सोमवार से ज्यादा शनिवार को लगता है भक्तों का मेला। शनिदेव के दिन शनिवार के भगवान शिव की पूजा कर हर भक्त अपनी मनोकामना पूरी करता है और महादेव के आगे लगाता है अपनी अर्जी। आशुतोष शशांक शेखर चंद्र मौली चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा। चावल की पोटी शशांक शेखर चंद्र मौली लगाएगी भक्तों का बेड़ा पार। कोटि कोटि प्रणाम शंभो, शनिवार की पूजा दिगंबरा मिलाएगी शिव का वरदान। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवनाय धीमहि। मंदिर में बंधी इन पोटलियों में छिपा है आपकी सुख समृद्धि का उपाय। इन पोटलियों में चावल बंधे हैं जो हर रोज दिखाते हैं चमत्कार। ये भक्तों को दिलाती है महादेव का आशीर्वाद और दुखों का हमेशा के लिए कर देती है अंत। ओम तत्पुरुषाय विद्महे। ये पोटलियाँ जब चढ़ाई जाती हैं भोले भंडारी को तो भक्तों की समस्त मनोकामनाएं हो जाती हैं पूर्ण। पूजा अर्चना और आरती के बाद भक्त अधूरी कामनाओं संग करते हैं महादेव की आराधना। कानपुर के कल्याणपुरी में महादेव का कई सौ साल पुराना मंदिर है, जिसे भक्त लोधेश्वर महादेव के नाम से पुकारते हैं। कहते हैं कि यहाँ आकर जो भी मन्नत की पोटली बांधकर महादेव के सामने अपनी इच्छा रखता है, बाबा उसे निराश नहीं करते। बाबा को पोटली क्यों और कब से चढ़ाई जाती है, इसकी वजह किसी को नहीं पता, लेकिन भक्त सालों से इस तरह से भगवान को पूछते आ रहे हैं। इसके पहले क्या हुआ इसे मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब से मैं आया हूँ तब से एक रुमाल काटने चावल की अर्जी लगती है। और कोई भी व्यक्ति अपना किसी भी तरीके की परेशानी हो, संतान न हो, किसी को शारीरिक कष्ट हो, किसी तरीके का, यहाँ तक कि कैंसर तक के लोगों को बाबा ने ठीक करके भेज दिया भोलेनाथ ने। इसकी अनुपम कृपा है, इस एक रुमाल काटने चावल में ही भोलेनाथ ने हिस्से हैं। और तब से हजारों भक्त, लखों भक्त की तादाद में आके अपनी अर्जी बांध के गए हैं, सबके कार्य पूरे हुए। भोले भंडारी की भक्ति का ये संसार उनके प्रिय दिन सोमवार को नहीं बल्कि शनिदेव के दिन शनिवार को सचता है। हजारों की संख्या में भक्तों की भीड़ मंदिर में उमड़ती है। मंदिर में बंधी हजारों रुमालों की पोटलियां महादेव के प्रति भक्तों की आगाध भक्ति को बयां करती हैं। यहां आकर भक्तों की हर इच्छा को मिलता है महादेव का आशीर्वाद। हम यहां दर्शन करने आए हैं और जो लोग अपनी श्रद्धा से मनोती करते हैं तो एक रुमाल में कुछ चावल के दाने बांधकर अपने मन में श्रद्धा रख के बांध देते हैं और वो मनोती जरूर पूरी होती है। एक बार मेरी पूरी हुई है तो अब मैं दोबारा फिर आ आया हूँ यही करने के लिए, हमने किया। मंदिर परिसर के बाहर भगवान विष्णु, माँ दुर्गा और शनिदेव की भी कृपा भक्तों पर बरसती है। महादेव के इस चमत्कारी मंदिर की महिमा दूर दूर तक फैली हुई है। आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे भक्त यहाँ खाली हाथ आते हैं और झोली भर कर ले जाते हैं। तभी तो सुबह हो या शाम मंदिर में लगा रहता है भक्तों का तांता। कानपुर से रंजय सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। पीले प्रसाद और प्लास्टिक की गांठ बांधने भर से महादेव हो जाएंगे प्रसन्न। उज्जैन के तृणमुक्तेश्वर महादेव के दरबार में भक्त झूला झूल कर लगाते हैं महादेव से कर्ज माफी की गुहार। दिलचस्प बात यह है कि इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा सोमवार के दिन नहीं बल्कि शनिवार के दिन करते हैं। प्लास्टिक की एक गांठ से पूरी होगी आपकी हर मुराद। बरगद के पेड़ में बंधे ये प्लास्टिक कहते हैं कहानी आस्था के उस धाम की, जहां भक्त प्लास्टिक बांध कर करते हैं महादेव की आराधना। ओम त्र्यंबकम् यजामहे
सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् पूर्वारुगमिव बन्धनान् मुक्षीयमामृतात्। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है ये सिद्ध स्थान, जिसे ऋण मुक्तेश्वर महादेव के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ प्लास्टिक बांधकर भक्त भगवान तक पहुँचाते हैं अपनी फरियाद। त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्। पीले प्रसाद का चढ़ावा, झूला झूलने से मिलेगी समृद्धि, प्लास्टिक से होंगे महादेव प्रसन्न। बरगद के पेड़ में बंधे इन प्लास्टिक से महादेव की प्रसिद्धि, उनके चमत्कारों का आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। सैकड़ों साल पहले मंदिर के आसपास का पूरा इलाका वीरान था। तभी एक भक्त यहाँ दर्शन करने आया, लेकिन भक्त के पास भगवान को चढ़ाने के लिए प्रसाद फूल कुछ भी नहीं था और वो पूरी तरह से कर्ज में डूबा हुआ था। तब उसने मंदिर के आसपास पड़े प्लास्टिक को बरगद के पेड़ से बांधकर भोलेनाथ से कर्ज मुक्ति की प्रार्थना की और तभी से भक्त यहाँ आकर प्लास्टिक बांधकर भोले से मांगते हैं मन्नत। रण मुक्तेश्वर महादेव पे हम लोग हर शनिवार को आते हैं और यहाँ इनकी खासियत ये है कि इनके दर्शन करने से हर तरह के ऋणों से मुक्ति मिलती है। जिस भी तरह के, चाहे धन ऋण हो, चाहे पितरों का ऋण हो, चाहे आगे किसी भी तरह के ऋण हो, उन सब ऋणों से मुक्ति मिलती है। और जो ये वट वृक्ष है पीछे, इसमें पॉलिथीन बांध करके अपनी मन्नतें मानी जाती है और जो भी प्रभु से मांगा जाता है वो यहाँ वीरभद्र महाराज जो है उनके कान पे कहते हैं, मतलब तो उससे वीरभद्र महाराज जो है प्रभु से बोल करके और सुन करके उस बात को और सभी तरह के ऋणों से मुक्ति के लिए आशीर्वाद देते हैं। कहते हैं कि मनुष्य पर किसी भी तरह का कर्ज हो तो यहाँ आकर पीली वस्तुओं से पूजा अभिषेक करने से हर तरह के कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। पीली चने की दाल, पीले वस्त्र, पीली धातु, हल्दी, गुड़, पीले फूल इत्यादि का भोग लगाकर किया जाता है भोले को प्रसन्न। यहाँ भोलेनाथ के दर्शन का झूला झूलने की परंपरा है। भक्त झूला झूलकर अपनी सभी चिंताओं को भोले के चरणों में रख देते हैं और हो जाते हैं सभी चिंताओं से मुक्त। यहाँ पर भगवान को पीली पूजा चढ़ाई जाती है कि अपनी जो भी मनोकामना हो या अपने जो भी ऋण वगैरह रहते हैं वो इनके दर्शन करने से उस काम को लाभ मिलता है। और यहाँ पे जो झूला लगा है इस पे भी झूलते हैं लोग और उससे भी हमको सुख शांति मिलती है। मुक्तेश्वर मंदिर है, यहाँ पे हम हर शनिवार को दिन मुक्तेश्वर मंदिर दर्शन करने आते हैं। यहाँ पे किसी भी तरह के मन को अशांति हो या ऋण हो तो वहाँ से मुक्ति हो जाती है। और वहाँ पे झूला झूलने से जो भगवान के सामने आनंद अनुभूत होता है वही झूला झूलने से घर में आनंद की अनुभूति होती है। यूँ तो भक्त रोज ही महादेव के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन भोले के प्रिय दिन सोमवार नहीं बल्कि शनिवार को इस मंदिर में पूजा का खास ही महत्व है। मान्यता है कि मनुष्य के जीवन के उलटफेर में सबसे बड़ा योगदान शनिदेव का होता है। शनि कर्ज जैसे संकट भी लेकर आते हैं, यही वजह है कि शनि के दिन पीली वस्तुएं चढ़ाकर ऋण मुक्ति की पूजा से भक्तों को होता है विशेष लाभ। पीले प्रसाद और प्लास्टिक की गांठ बांधने भर से महादेव हो जाएंगे प्रसन्न। उज्जैन के तृणमुक्तेश्वर महादेव के दरबार में भक्त झूला झूल कर लगाते हैं महादेव से कर्ज माफी की गुहार। दिलचस्प बात यह है कि इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा सोमवार के दिन नहीं बल्कि शनिवार के दिन करते हैं। मिल जाएगा लोन से छुटकारा, उतर जाएंगे सारे कर्ज,
घर में आएगी सुख समृद्धि। पूरी होगी हर मुराद। जब ऋण मुक्तेश्वर महादेव देंगे वरदान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। अगर आप किसी भी तरह के लोन से हैं परेशान, कर्ज से बेहाल हैं, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ऋण मुक्तेश्वर महादेव के दरबार में मिलेगा आपकी हर समस्या का समाधान और उतर जाएगा आपका सारा कर्ज। ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ये भोले भंडारी का चमत्कार नहीं तो और क्या है। हर सुबह भजन कीर्तन से शुरू होता है मंदिर में भक्ति और श्रद्धा का रेला। कहते हैं ऋण मुक्तेश्वर महादेव के दर्शन मात्र से ही भक्त मुक्त हो जाता है हर तरह के कर्ज से। प्रणाम मेरे भाई बहन। आज का मंत्र है अभय मंत्र। इसका प्रयोग करते हैं हम लोग बच्चों की मंगल कामना के लिए। अर्थात बच्चे कभी स्कूल गए हैं, काम पर गए हैं, जॉब पर गए हैं, या आप काम पर हैं, बच्चे घर पर हैं, उनकी चिंता होती है, या बच्चे विदेश गए हैं उनकी चिंता जब हो, तो इस मंत्र का उच्चारण करें तो आप देखेंगे बच्चों की चिंता आपको नहीं होगी, बच्चे सकुशल रहेंगे, अच्छी अच्छी सूचनाएं समाचार बच्चों के आपको मिलते रहेंगे। मंत्र निवेदन करता हूं मैं। मंत्र है भक्तानाम अभयंकर्ता त्राता भव भवारणवात। इस मंत्र को संध्या के समय, शाम का समय होता है 5 से 7 बजे के बीच का समय, संध्या समय होता है, उस समय उत्तर को मुख करके बैठ जाएं और 9 दिन तक लगातार प्रत्येक दिन हर दिन 7 बार इसका उच्चारण करें। बहुत शांत भाव से अगर बोलेंगे तो आप देखेंगे आपके बच्चों का मंगल होगा, मंगल कामना होगी, उनको मंगल आपकी प्रार्थना पहुंच जाएंगी और अच्छी सूचना आपको मिलेंगी। मित्र मंत्र में एक बार पुनः निवेदन करता हूं। मंत्र है भक्तानाम अभयंकर्ता त्राता भव भवारणवात। मित्रों इसका उच्चारण करिए शांत भाव से और हम कामना करते हैं कि आप बच्चों की हमेशा मंगल कामना होती रहे, बच्चे सुखी रहें, स्वस्थ रहें। मित्रों इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।